विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने लखीमपुर खीरी की घटना की तुलना जलियांवाला बाग से करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कार्यक्रम में शिरकत करने बलिया आए समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहती है, फिर इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों की भीड़ में गाड़ी से कुचल करके 6 लोगों की मौत के घाट उतार दिया, दर्जनों लोग घायल हो गए। इस घटना की देखने के लिए किसानों के पक्ष में, किसानों के हमदर्दी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी घोषणा किए थे लखीमपुर जाने के लिए। उनके घर के चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया है।